बेटी को हर बहन को सुरक्षा की पूरी गारंटी दे सके, उनके सम्मान की गारंटी दे सके और उनके स्वावलंबन के लिए कुछ अलग से नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके, यह एक अभियान आज से हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। महिलाओं के सम्मान को अब संस्कार बनाने के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश सरकार अब आगे बढ़ रही है। इस संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नवरात्र के प्रथम दिन में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार हर बेटी हर महिला का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके स्वावलंबन के लिए भी प्रतिबद्ध है। भारत के सनातन धर्म की परंपरा में नारी शक्ति के प्रति समाज का आखिर ये भाव हम सब के मन में कब आएगा और इसी भाव को आगे बढ़ाने के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक नए अभियान का शुभारंभ किया है। आज अलग अलग कार्य क्षेत्रों में स्त्री की प्रतिभा की पहचान हो रही है, उसे सराहा जा रहा है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां उच्च स्थान पर महिला ना कार्यरत हो। तो भर्ती प्रदेश के अंदर पुलिस की चल रही है, इसमें कम से कम 20% बालिकाएं भर्ती हो जाएं, तो बालिकाएं भर्ती होंगी, स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होंगी और समाज को सुरक्षा की गारंटी भी देगी। प्रदेश में पिंक बूथ पिंक पेट्रोल के साथ ही महिला हेल्प डेस्क के लिए प्रत्येक थाने में एक अलग कक्ष बनाया गया है जिसको सभी सुविधाओं से लैस किया गया है, जिसकी निगरानी CCTV कैमरों द्वारा की जाती है। 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। ये शुरुआत हम हरेक अगले चरण में हम लोग तहसीलों में जा रहे हैं, इसके बाद औद्योगिक संस्थानों में हम लोग इसको लेकर के जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में लेकर के जाएंगे। इसके लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी द्वारा लैंगिक हिंसा के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज ना करने या दर्ज करने से मना करने के लिए दंड का प्राविधान किया गया है ताकि महिला सुरक्षा व्यवस्था का कड़ाई से पालन हो। आपकी सुनवाई कोई नहीं करता है तो हमने हेल्पलाइन जारी कर रखी है। हेल्पलाइन में 1090, इस हेल्पलाइन में आप बोलेंगे, तत्काल आपकी सुविधा को नोट करेंगे, आपके कॉल को नोट करेंगे, कॉल बैक करके फिर आपका हालचाल भी लेंगे। लैंगिक अपराधों से नाबालिगों का संरक्षण अधिनियम धारा 21 का प्रावधान पूरे प्रदेश में सख्ती से क्रियान्वित कर दिया गया है। नाबालिगों के विरुद्ध दंडित अपराधियों की सूचना देने पर अपराध को पंजीकृत करने से मना करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, जिसके तहत 6 माह तक की सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान है, जिसका असर अब प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में दिखने लगा है। इस अभियान के तहत 1535 पुलिस थानों में एक अलग कमरे का प्रावधान किया गया है जिसमें पीड़िता महिला पुलिस कर्मी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती है ताकि तुरंत कार्यवाही हो सके और अपराधी को सजा दी जा सके। महिला सुरक्षा के इस अभियान के लिए चिन्हित मुकदमों में से कई मामलों में सजा कराई है। इसमें 11 मामलों में 14 अभियुक्तों को फांसी की सजा, 5 मामलों में 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 8 मामलों में 22 अभियुक्तों को कारावास एवं जुर्माने की सजा से दंडित कराया है। सरकार के प्रयास से आज पूरे प्रदेश में 43% सिर्फ महिला ग्राम प्रधान हैं। प्रदेश पुलिस में जहां 2017 में 7.30% महिला थी, आज 21% हो चुकी है। साथ ही 2020 में आज उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में सर्वाधिक महिला रोजगार वाला प्रदेश बनकर उभरा है। प्रदेश सरकार की इस पहल से आज महिला सशक्त हो रही हैं
आगे बढ़ रही हैं और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में स्थापित हो रही हैं। आइए हम सब मिलकर राज्य सरकार की एक पहल का स्वागत करें और महिला सशक्तिकरण का समर्थन कर राज्य और देश की प्रगति में अपना अहम योगदान दें। सशक्त नारी, सशक्त प्रदेश, उत्तर प्रदेश।